हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल टेक ऑनलाइन। दोस्तों, आज बात करने वाला वोटर आईडी कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी की गई है दोस्तों, जो कि जिसके भी पास वोटर आईडी कार्ड है उन सभी को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उससे बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी तक सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे डाउनलोड करना और कैसे प्रिंट करना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने पर अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे CEO, उसके बाद दिल्ली लिख के .gov लिख के यहाँ पर सर्च कर लेंगे। इतना सर्च करने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको त्रिभुज आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। उसका दोस्तों, इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेंगे। डेस्कटॉप साइड में करने के बाद दोस्तों, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर टेक ई वोटर पेज, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, यहाँ पर जो आपका वोटर आई डी कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ अपना टाइटल जो लगाते हैं यहाँ पर टाइटल लगा लेंगे, मिस्टर या मिसिज या जो भी लगाते हैं डॉक्टर या मिस्टर पर लगा लेंगे। उसका दोस्तों, वोटर कार्ड में जिसका भी डाउनलोड आप करना चाहते हैं उसके यहाँ पर नाम लिख लेंगे। जिस वोटर कार्ड में जो भी नाम है यहाँ पे पूरा लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कैप्चा जो आपके सामने दिख रहा है हरा कलर में, आप कैप्चा को फिलअप कर लेंगे। जो ऊपर लिखा है सेम नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों, कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं दोस्तों, आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हम हिंदी में करना चाहते हैं, आप हिंदी पे क्लिक कर लेंगे। हिंदी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आपके सामने जो कुछ लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर पढ़ लीजिए। जैसे कि आपको पढ़ करके दिखा देते हैं, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण संस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को, यानी दोस्तों जो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ शपथ, यहाँ पर शपथ को पूरा पढ़ के उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइएगा टिकआउट में, मैंने प्रतिज्ञा ली है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसका दोस्तों, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना था यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पे आ गया है। ई मतदाता शपथ का प्रमाण पत्र, यहाँ पर जिसके जिसके पास वोटर कार्ड है उसी का डाउनलोड होगा, जिसके पास नहीं है उसका डाउनलोड नहीं होगा। और दोस्तों देख सकते हैं, हम नाम दिए थे, नाम आ जाएगा। नाम आने का दोस्तों, आप वोटर आई डी कार्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट के यहाँ पर लोगो लग जाएगा। उसका दोस्तों, यहाँ पर चलो वोटर बने हम, यहाँ पर उसका भी लोगो आ जाएगा। उसका दोस्तों, इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर में यहाँ डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों, जाइए आप भी आसानी से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।